पहली कॉलर है कुरुक्षेत्र से सुधा जी, स्वागत है आपका। हेलो। अरे मसीहा, हमारी प्यारी सी बेटी बोल रही है बेटा। हाँ जी मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है आपकी आवाज। अच्छा अच्छा ठीक है। हमारी प्यारी सी बेटी और हमारे मसीहा, आप दोनों का हमारा 1001 टाइम सलाम। आदाब। सर एक मेरी बहुत प्यारी दोस्त है, मेरी आज उनसे काफी टाइम बाद बात भी है। उनकी तबीयत थोड़ी नासाज रहती है। उनको सर्वाइकल है, शुगर भी है, गैस भी कहते बहुत बनती है। पेट एक बार में साफ नहीं होता, दो तीन बार फारिग होना पड़ता है। तो सर्वाइकल के लिए तो आपकी चारों एक्सरसाइज बता देती हूँ उनको मैं, और शुगर के लिए आपको बताती है जामुन का घोल, तो दो बार वो, और एक नमक जैतून जिससे जो है ना कोई साइड इफेक्ट ना हो, और पेट वगैरह भी उनका ठीक हो जाएगा उससे। उनके साथ छह चीजों का सफर दूं या चार चीज वाला जो आज आप बता रहे थे, तो ये बताइए क्या उनको? उन्होंने कहा कि मेरे को जो है ना माइग्रेन है, तो मैंने उनसे पूछा कि माइग्रेन है सिर का दर्द कैसे होता है? कहते नहीं, मेरे को तो बहुत तेज होता है और जो है ना आम गोली खाते से ठीक होता है। उनका माइग्रेन नहीं है फिर तो आपको, क्योंकि माइग्रेन जो होता है तो वो तो उनके लिए तो मतलब स्पेशल होती है मेडिसिन, और आम नॉर्मल मेडिसिन से आपको आराम नहीं आएगा जी। सही कहा। तो ये सब ठीक है क्या? और दूसरा सवाल, कल सर मैंने पढ़ा था अपनी पोती के लिए आपसे पूछा था ना, उसकी जो पोरों में है जो डार्क है बीच में जॉइंट्स की जगह हैंड्स में, तो आपने कहा था कि उनका हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। तो हीमोग्लोबिन तो उनका 12-13 रहता है, मैंने आज ही पूछा सुबह, तो मैंने कहा बेटा हीमोग्लोबिन कितना कहने की? अब तो दादी मैंने कराई नहीं, मेरा तो 12-13, 13.5 तक रहता है, मेरा तो कभी कम हुआ ही नहीं है आज तक बचपन से भी। तो और क्या वजह हो सकती है, या दोबारा टेस्ट कराए उसका हीमोग्लोबिन? बचपन से ही है। क्या रोग था? जॉइंट्स में नहीं बताया था आपको? डार्क डार्क मतलब की काली काली वो हो जाती है ना जॉइंट्स में, जैसे मेहंदी लगा रखी इतना का डार्क कलर है और बाकी हाथ उसका बहुत गोरा है। ठीक है ठीक ठीक। तो आपने कल बताया था ना हीमोग्लोबिन कम हो सकता है उसका। ठीक है। हाँ देखिए वो स्किन के रोगों में जहाँ भी ऐसे स्पॉट्स हो जाए या और कोई स्किन का रोग है, तो ज़्यादा अच्छा आपको पता है जो नुस्खा काम करता है वो है अलसी और नमक जैतून का नुस्खा। तो ये लें, आधी से एक चम्मच अलसी और नमक जैतून एक चुटकी, और ज़रूरत पड़े तो दो चुटकी भी ले सकते हैं दिन में एक बार या दो बार, तो ये स्पॉट्स ठीक हो जाना चाहिए। और HB करा लिया तो अच्छा है, शक था मुझे कि कम हो सकता है। एक तो ये, दूसरा जो आपकी फ्रेंड को आपने सर्वाइकल की एक्सरसाइज बाकायदा बता दीजिए, चाहे तो अपनी वीडियो बना कर उनको भेज दीजिए, और मिलती हैं तो बाकायदा अपने सामने कराइए, और उनसे कहिए कि 10-15 दिन तो लगातार करें, फिर उसके बाद इतना फ़ायदा नज़र आ जाता है कि आदमी खुद ही करने लगता है। इस एक्सरसाइज का यही एक नियम है कि जब फ़ायदा नज़र आने लगता है तो आदमी खुद करने लगता है। अच्छा, उन्हें जो चार चीज़ों का ही आप सफूफ दें, और अगर नहीं हो तो फिर 7 चीज़ों का सफूफ देना, और यानी सौंठ, ये जो मैंने 7 चीज़ों का बताता हूँ उसमें अलसी भी शामिल करता हूँ, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी और अलसी। तो हजम में अगर परेशानी है तो अलसी और सौंठ मिलके बहुत अच्छा हाजमा करती है, और गैस पास करती है, एसिडिटी दूर करती है, और सौंफ भी हाजिम है, धनिया भी हमारी लैट्रिन को आगे सरकाता है, और वर्म हो तो ये नमक जैतून तो है ही उसको दूर करने के लिए। तो ये आप बिल्कुल सही नुस्खा दिया है, और चेंज करना पड़े तो चेंज कर देना, लेकिन उनसे कहना दिलचस्पी से लें और इसको भगवान से मदद भी मांगें तो अच्छा होना मुमकिन है जी। छत्तीसगढ़ से हैं सरोज जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम जी। नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर साहब। आदाब, जय हिंद, स्वागत आपका। जी
सर मैं 2 महीना 5 दिन हो गए आपके यहाँ से काला गोंद खा रही हूँ। वैसे तो मुझे बहुत आराम है, मेरा ना सीधा वाला हाथ ऊपर नहीं होता था, उसमें ना मेरा ठीक हो गया, काफी आराम है, कमर दर्द भी चला गया, बस घुटनों का दर्द है, सीढ़ी चढ़ते उतरते वक्त दर्द देता है। और मेरा ना एक सीधे हाथ का अंगूठा है सर, मैं 5 दिन पहले भी आपको फोन में बताई थी, इसमें ना मेरा नस चढ़ गया है, इतना तकलीफ है, मैं आटा नहीं लगा सकती, लोटा भर के पानी नहीं खा सकती, और इसको क्या बोलते एलोपैथिक के डॉक्टर पास गए थे तो इस तरह में नस चढ़ा हुआ आया है, 10 दिन की दवाई दिए थे उन्होंने, तो दवाई खाते तक ठीक था, दवाई ठीक खत्म हो गया तो फिर से दर्द वापिस आ गया अंगूठे में, इसको क्या करूँ सर, मैं बहुत परेशान हूँ जी। अंगूठे की जो नस पे नस चढ़ गई है, पैर के अंगूठे जी जी। और देखिए अगर चाहें तो उन डॉक्टर से और भी दवाई ले सकते हैं जिनकी दवा देने से अंगूठे में फ़ायदा था, और ये नुस्खा ना छोड़ें क्योंकि इससे आपको 75% फ़ायदा हो चुका है या उससे भी ज़्यादा। तो ये दवा धीरे धीरे आपको मालूम है काम करती है, गौंसिया धीरे धीरे काम करता है, और फौरी तौर पर फ़ायदा के लिए आप कोई भी दवा इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बहुत जल्दी पूरा ठीक होना आपका मुमकिन है जी। लखनऊ से हैं आफरीन, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं? हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? सब खैर है, अल्लाह का बड़ा एहसान, आप बताएं। जी हम से बात हुई थी हमारी मैम, पहली बात तो मेरी कल पूरी बात हो नहीं पाई थी, फोन कर गया था, अभी भी बात पूरी हो जाए तभी फोन कर होना चाहिए। ठीक है बात पूरी कर लीजिए। ठीक मैम, कल जो बात हुई थी पूरी बात हुई नहीं, हो नहीं पाई थी, तो जैसे हमने आप बताया था कि हमें ये दिक्कतें हैं, वो तो पता है, आपको फिर से बताना पड़ेगा। नहीं अब तो याद नहीं है मुझे। जी याद है, तो हमने जी आपने मैम आपने कहा ठंडी चीजें खाते, ठंडी चीजें खाने का शौक तो मैम बहुत है, जो बात है, लेकिन जब से इलाज शुरू किया एक बूंद ठंडा पानी तक नहीं पी रहा, तो जब ठंडा पानी नहीं पी रहा जो कि इतनी गर्म हो रही है, तो ठंडी चीजें तो बिल्कुल छोड़ रखी है, क्योंकि इलाज क्योंकि परहेज ज्यादा जरूरी है, जितना दवा जरूरी है उतनी परहेज भी है, इस चीज को हम भी मानते हैं मैम। और हकीम साहब जैसे आपने कहा पर्दा, ये पर्दा क्या है, हम भी यही जानना चाहते हैं कि मतलब समझ में आता है, एलोपैथिक दवा भी करते हैं उसमें भी हमें यही होता है, समझ में नहीं आता, हम करके वो थक चुके हैं, तब हमने सोचा आपकी दवा करें, और समझ में नहीं आता कि ये दिक्कत मेरे क्या है क्या नहीं, वो पर्दा क्या है वो भी हम भी जानना चाहते हैं, कि वो पर्दा आखिर है क्या चीज, जितनी दिक्कत थी हमने आपको वो सब बता दी है। पर्दा नहीं समझा मैं, पर्दा जी पर्दे के बारे में मुझे बिल्कुल याद जी, नहीं जी मैम, पर्दे का क्या सवाल है आपका? ये नहीं हकीम साहब ने जैसे कहा था कि कौन चीज का पर्दा है जो मतलब दवा असर नहीं कर रही है। अच्छा अच्छा, कोई बात छुपा रही है या कोई गलती कर रही है, आप अपनी परेशानी जरा एक बार दोबारा बता देंगे? जैसे हमको नज़ला है, ठीक है, तो नज़ले के लिए हम साबित समझना आपका नुस्खा ले रहे हैं, और पैर बहुत सुन हो जाते सर्वाइकल में, तो सर्वाइकल है तो सर्वाइकल के लिए तो हकीम साहब की एक्सरसाइज कर रहे हैं, और मेरे पैर बहुत सुन हो जाते, बैठे बैठे भी सुन हो जाते वैसे भी, तो इसलिए उसमें सियागोन उसके लिए ले रहा हूँ, उसमें हकीम साहब कहते हैं कि उसमें देर में फायदा होता है, तो इसलिए उसको तो खैर उसकी हमें अभी कोई बात नहीं है। और बीपी जैसे मेरा भी नवंबर से बढ़ जाता है, थोड़ा पहले नहीं बढ़ता था, अब थोड़ी सी दिक्कत होगी बढ़ने लगा, तो हम बीपी के लिए अरे क्या नमक जैतून सोडा ले रहे हैं, और एक टाइम अलसी के साथ है, थोड़ी सी गले की दिक्कत है तो एक टाइम मेथी के साथ लेते हैं, और हमारी मैम एज 29 है, ठीक है मैम, एज भी हम बता दे, एज 29 है, तो और ये नमक जो वो क्या नाम उसका, हाँ जैतून का सिरके का भी हमने नींबू और क्या बोलते हैं अदरक और लहसुन वाला बनाया है, तो एक टाइम वो भी ले लेते हैं 3 चम्मच दिन में, बस इतना ले रहे हैं मैं जी। पता नहीं मैंने क्यों कहा था पर्दे के बारे में, मुझे याद नहीं रहा, दरअसल इतने सवाल आते हैं, और देखिए अगर फायदा जारी हो गया, काफ़ी दिन से आप जुड़े हुए हैं तो
फायदा शुरू हो गया है तो ये मुमकिन है कि देर से फायदा हो, लेकिन अगर बिल्कुल भी फायदा नहीं है तो फिर ये दवाएं लेने से कोई फायदा नहीं। तो देखें आपको किस मर्ज में कितना फायदा है, और परहेजी भी हो जाती है कभी कभी, कभी कभी की तो कोई बात नहीं, लेकिन मुस्तकिल ना हो। और आप तो बहुत अच्छे व्यूवर्स हैं, आप खुद फैसला कर सकते हैं कि आपको कितना फ़ायदा है और कितनी दवा और लेनी चाहिए और या नहीं। और बस जुड़े रहिए, मशवरा लेते रहिए, बस मशवरा दे सकते हैं। फ़ायदा अल्लाह के हाथ में है, उससे मदद मांगनी है, ऊपर वाले से मदद मांगें और फ़ायदा उठाएं। जी, दिल्ली से हैं दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार भाई साहब। आदाब, जय हिंद, स्वागत आपका। थैंक यू भाई साहब, शारदा बेटी बहुत प्यारी लग रही, बहुत सुंदर बहुत सुंदर लग रही है। शुक्रिया 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 मैम। और भाई साहब, बेटियां तो वैसे भी प्यारी होती है बहुत, क्योंकि दिल को छू कर जाती है बेटियां, और शारदा बेटी तो वैसे भी सुंदर है, तो सुंदर तो लगेगी। और हमारा तो इतना जुड़ाव हो गया ना शारदा बेटी से कि बहुत ज्यादा जी और भाई साहब मेरे दो क्वेश्चन भी है जी। एक कि मेरा ये नाती है, इसके घर ना अंदर छोटे छोटे फाले से हो गए, मतलब गले में टॉन्सिल बोलते हैं वे। टॉन्सिल? अच्छा, कितना बच्चे की उम्र है? 8 साल है। और भाई साहब ये भी बात सही है कि हमारा तो शरीर ऐसा है ना, हम तो पानी पीते हैं ना, हम उससे भी मोटे हो जाते हैं, कितना भी कंट्रोल कर ले। खूब अदरक लहसुन सब्जी में डाल कर खाते हैं, सब कुछ करते हैं। और एक चमत्कार, और भाई साहब मैंने शुक्रवार में ना, मेरी बेटी ऑफिस जा रहा है और उसके पानी बोतल में मैंने नमक जैतून डाल दिया, और बेटे की बोतल में भी नमक जैतून डाल दिया, और वो नाती स्कूल जा तो उसकी बोतल में भी डाल दिया। तो नाती ने तो आस्ती बता दिया कि आपने हकीम साहब का नमक जैतून डाल कर दिया ना मेरी बोतल में। तो वो तो पिछान लेता है, और बेटी नहीं पिछान पाई। और वहाँ किसी ऑफिसर ने पी लिया वो पानी, मतलब रखा था उसके पास में। अच्छा। बैंक में। तो उसने फिर संडे को फोन करके पूछा कि आपके पानी में खारा पर था, लेकिन आपका पानी पीने से ना मेरे पेट में कुछ तकलीफ थी तो वो दूर होगी। तो आपके पानी में ऐसा क्या था? तो फिर मेरे से कहने लगी, मम्मी मेरे बोतल में खारा पानी क्यों था, क्या अपना फिल्टर खराब हो गया? मैं बोली नहीं। तो मैं बोली बताओ क्यों था? तो बोली एक सर ने पी लिया, वो सर ऐसे ऐसे कह रहे कि आपका खारा पानी ट्यूबवेल का होगा, इसलिए मेरे पेट का ना सिस्टम थोड़ा अच्छा हो गया। फिर मैंने बताया, मतलब उसमें नमक जैतून डाल लिया था मैंने। तो फिर कह रही सर मेरी मम्मी ना कुछ नमक नमक डालते हकीम साहब का, तो उससे आपको आराम होया है। और बेटा बेटी तो बता ही नहीं पाए कि उसमें नमक जैतून है, और नाती ने पिछान लिया कि आपने नमक जैतून डाला हकीम साहब। वो तो आती बोलने लग गया कि आप मेरे स्कूल में भी डाल कर देते हो, मैं घर पर पी लेता हूँ। तो ये ऐसे ऐसे चमत्कार हो जाते हैं बहुत ज्यादा। वाकई ये तो बड़े खुशी की और हंसी की बात है, और ये मैं भी करता हूँ। और मैंने बताया ना कि वो घर की मुर्गी दाल बराबर जो होती है, वो अगर मेरे घर वाला कोई मेरी दवाओं से को नहीं खाता तो मैं भी यही कर देता हूँ चुपचाप। और मेरी जो पोती है वो तो आती है मेरे पास और अपनी बोतल लाती है कि इसमें नमक जैतून डाल दो, तो मैं क्योंकि वो 5 साल से ज़्यादा की है तो मैं आधी चुटकी उसमें डाल देता हूँ। तो रोज़ आती है कि मेरा ज़रा पेट वेट ठीक रहता है और मुझे परेशानी नहीं होती, वो तो डलवाती है, उसको तो आदत पड़ गई। तो ये बच्चे शायद आपका नाती और मेरी पोती, ये बड़े होके इन नुस्खों को ज़रूर आजमाएंगे, हमारे बाद इन लोगों को याद रहेंगे, और ये आने वाली नस्ल अगर हमारे से साथ जुड़ जाए तो वाकई ये यूनानी से लोग बहुत फ़ायदा उठाएंगे।
और ये आपने एक तरह से अच्छा ही किया कि बच्ची की उसमें डाल दिया। वैसे बच्चे ना इस तरह की दवाओं से बचते हैं जो रॉ मटेरियल है, और वो टैबलेट उन्हें खिला दो, इंजेक्शन लगवाओ तो यूं ही लगवा लेते हैं, और ये इसके आदी नहीं है। काश ये लोग आदी हो जाएं तो फिर बहुत सारे रोगों से सुरक्षित रह सकते हैं जी।